सभी को मेरा प्रणाम। मैं लहित पंत अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। अभी तो बाहर देख सकते हैं तो आज की निकल चुकी है बढ़िया वाली धूप। तो बने रहे मेरे चैनल में, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ, आप बने रहे चैनल में। तो मैं अभी देख सकते हैं जा रहा हूँ यानी अपनी दुकान की तरफ। आज है संडे तो आज तो सुबह ही चले गया था, देख सकते हैं। तो आप तबीयत ठीक है? तो कल तक तो आप सभी लोगों ने दिखाई हुआ तो तबीयत थोड़ा ख़राब ही हो रही थी, बुखार भी आ गया था। तो भी है ही होने के लिए, जुकाम लग ही रहा है मेरे को। तो क्या होता है, ऐसा ही हुआ कल, दवा वा भी खाई थी तो ठीक हो गया। तो देख सकते अच्छी अच्छी धूप निकल। सौंदर्य व्यू पाली गांव का देख सकते हैं, नजारा आनंद उठाइए। खूबसूरत से गांव पाली का, तो देख सकते हैं इतने बड़े बड़े खेत। देखिए पाली गांव देख सकते हैं, जो कि ये चीड़ के पेड़। तो देख सकते हैं कभी कभी इन पेड़ों से भी आपकी यादें भी जुड़ी होंगी। तो आप भी झूला खेलते होंगे इन पेड़ों में, कभी तो खेलते होंगे ना झूला। ये नीचे से ऊपर तक झूला भी तो खेलते होंगे, फिर झूला भी खेलते थे इन पेड़ों में। तो देखिए लोगों की सबकी यादें जुड़ी रहती हैं ना यहाँ से। इन रूल मैं तल बैठे घुसड़ खेल जा, पछिल बैठे बिकी बेर पैंट का खेच लाल है जाए, फिर घर बैठे मैं खड़बे मार मार खड़बे घर बैठे माले खड़बे टाँट घर वाल को कॉम्पिटे आज है ला तो कर बेर तू हैं खेलते घुसड़े आपड़े तो लट खाने वाली शरीफ उसके बाद। तो पहले की याद भी तो बचपन की याद है तो जुड़ी होती है हमारे साथ है ना। तो ऐसा तो होता नहीं था नहीं, ये जो गाजर घास दिखाई दे रही है रोड के किनारे किनारे ये तो थी भी नहीं तब। देखिए ये काली बैसिंग शायद थी भी, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादातर थी नहीं। आप देख सकते हैं लोगों के जाने की वजह से तो ये भी आप दिखाई देने लग गई है। ये देख सकते हैं खूबसूरत गाँव पाली, ये आम डाली दिखाई दे रही है, चिल्ला दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं शानदार भी धूप आ चुकी है। उस साइड की तो पहले धूप आ जाती है। हम लोग का नाश्ता वहाँ का लंच ऐसा रहता है ना, उस साइड को थोड़ा फास्ट रहते हैं लोग। तो देखिए बिस्टोड़ा भी दिखाई दे रही है। देखिए ये हमारे कुमाऊनी सिंगर मनोज सामन जी का घर भी है यहीं पर, देख सकते हैं ये बिस्टोड़ा थोक ऊपर तो अग्रून आ गई है। ये देखिए देख सकते हैं इस तरफ को धूप आ चुकी है, यानी कि ये गेट आप सभी लोग को याद ही होगा, मीना बाजार का गेट बोलते हैं इसको। ये रास्ता जाता है सीधे, ये रास्ता सीधे ही आता है ऊपर टॉप पोखरी को। मैं निकल चुका हूँ पोखरी की तरफ को। तो देखिए इन रास्तों से भी सभी लोगों की यादें जुड़ी होंगी पक्का, क्योंकि ये तो मेन ही रास्ता है ना। तो आते जाते तो पोखरी को जोड़ता था स्कूल के जाते वक्त का था जब। ये देखिए ये रास्ते से सभी की यादें जुड़ी रहती हैं, तो मैं इसी रास्ते से आ रहा हूँ अभी फिलहाल। आधा खड़ंजा है, आधा शीशी है इसमें। तो देखिए ये देख सकते हैं तो ऐसे संकीर्ण मार्ग हो चुका है ये। तो देखिए मैं पोखरी पहुँचने वाला था तो रास्ते में देखा मैंने
अपार्टमेंट देखो मैं लियो तो झाड़ी है जान ये बाटो में देखो ये तो नन 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 तीन नन ये बाटो में तो ही देखो नहीं यार ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा तुम सब लोग। तो ये देखो ये कैसा हो गया ये रास्ता देख सकते हैं, मैं झुक झुक के आना पड़ा है मेरे को ही। तो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा देख सकते हैं कितना संकीर्ण मार्ग है। और बताते हैं कि झाड़ा के अंदर बाघ ही बाघ है। तो देखिए इसमें हज्जा बढ़ गया जब एक ही फिर ना ये देख सकते हैं तो धूप आ चुकी है पोखरी में अच्छी अच्छी धूप। उसका भी पोखरी की मार्केट पोखरी की दुकान है, अभी तो एक दो ही दुकानें खुली हुई है नीचे ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए साइड की मार्केट तो मैं अभी गया हुआ हूँ गांव पोखरी क्योंकि यहाँ आज महिला संगीत लड़की के साथ ही परसों को तो इसी वजह से महिला संगीत में क्या आपसे बिल्कुल डेकोरेशन दिखाता हूँ यहाँ बने रहिए चैनल में। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए आते आते दोनों के दिल पास आ गए। ये साउंड की सेटिंग पूरी और यहाँ पर हेलो 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 लिफाफे लिफाफा भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये है लिफाफा देखिए ये खोल के दिखाना है ना उसको है पोखरी में तो ये है चाचा जी का हमारे यानी कि विनोद कोठारी चाचा जी का टेंट हाउस है। तो देखिए आप भी तो देखिए तो मस्त हो रहा है ये
देख सकते हैं शानदार। बता बता बता, हाँ कैसा लगा तेरी टेंट? ये बनेगा ना, ये देखिए ये क्या है मेहंदी।